हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के हर हनुमान मंदिर में योगी रखवाए दलित पुजारी मायावती। बसपा सुप्रीमो व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस व भाजपा की जमकर आलोचना की। जी हाँ, दलित समाज को अपने हक के लिए एकजुट होने व कार्यकर्ता को पार्टी की नीतियों का अनुसरण करने का संदेश भी दी है। उन्होंने आरएसएस व भाजपा पर जातिवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हनुमान जी को दलित कहे जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि वह देश के हर हनुमान मंदिर में दलित पुजारी रखवाएं। इलाहाबाद में योगी को दिखाए ये काले झंडे, हनुमान जी को दलित बताने का किया विरोध। हनुमान जी को दलित बताए जाने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। योगी आदित्यनाथ यहां कुंभाभिषेकम कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सीएम ने कहा कि जिन्हें धर्म के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग बेवजह बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। ऐसे लोग संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं। कुंभाभिषेकम कार्यक्रम में आए योगी ने कहा, किसी से काम कर उंगली उठाना आसान होता है, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अब अगर कोई जिम्मेदारी निभाए तो धरती दिव्य लोक में बदल जाएगी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाए तो आयोजन में कभी कमी नहीं आएगी। लोग अपनी कमियां दूर करें और दूसरों की गलतियों से सीखें तो देश दिव्य हो सकता है। आजम खान ने कसा तंज, सीएम योगी बताएं हनुमान जी दलितों में कौन से दलित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान जी को दलित बताए जाने संबंधी बयान पर पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि समझ नहीं आता, हंसे या रोएं। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो भी बात कही है हनुमान जी को उन्होंने दलित जो बताया है, क्या वो ये नहीं बता सकते कि हनुमान जी किस श्रेणी के दलित थे। ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज से हिस्ट्री में पीएचडी की है, नालंदा से भी की है जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनकी बात तो माननी ही चाहिए। आजम खान शनिवार को सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भी तय होना चाहिए कि दलित में से वो कौन से दलित हैं। दलितों में भी बहुत बंटवारा है। कहा कि भाजपा के एक नेता साहब ने सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था और अब हनुमान जी को दलित बताया जा रहा है। बजरंगबली को लेकर मुख्यमंत्री योगी के बयान पर मचा घमासान, सवर्ण चेतना मंच आग बबूला। सवर्ण चेतना मंच और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के मालाखेड़ा अलवर की चुनावी सभा में बजरंगबली को दलित कहा था। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे समाज एवं संत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कहा कि किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी को दलित नहीं कहा गया है। कहा कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देकर माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर अशोक गहलोत का तंज, कहा यूपी को किया बर्बाद, आप राजस्थान से रहें दूर। जी हां, विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन नजदीक आने के साथ ही मेवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आने की संख्या बढ़ने लगी है। उदयपुर में शनिवार को दिन बीजेपी और कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के नाम रहा, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल है। दोनों ही नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और आगामी चुनाव में अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया। मेवाड़ के सियासी मैदान में जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में मेवाड़ वागड़ के दौर पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को उदयपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर प्रदेश में माफिया राज को बढ़ाने देने का आरोप मढ़ दिया। गहलोत ने कहा कि इन 5 सालों में प्रदेश में बजरी शराब भू माफिया का आतंक सरकारी संरक्षण में बढ़ गया है। हजरत अली के अपमान पर योगी मांगे माफी, बंद हो राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक व्यक्तित्व का इस्तेमाल। पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक चुनावी रैली में हजरत अली के बारे में की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। पार्टी ने अन्य लोगों से राजनीतिक लाभ के लिए देश में धर्म और धार्मिक व्यक्तित्व का इस्तेमाल बंद करने का आग्रह किया है। यूपी के सीएम ने हाल ही में मुस्लिम नेताओं के साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ की बैठक से संबंधित वीडियो लीक होने के बाद उन पर निशाना साधा।
वीडियो में कमलनाथ को मुस्लिम समुदाय का 90% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद यूपी के सीएम ने भोपाल में एक चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोट नहीं चाहिए, उन्हें केवल मुस्लिम वोट की आवश्यकता है। इस पर यूपी सीएम ने कहा कि आप अपने अली को अपने पास रखिए, हमारे लिए बजरंग बली ही काफी है। राहुल गांधी का गोत्र इंसानियत क्या जाने भोगी आदित्यनाथ रणदीप सुरजेवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी के गोत्र को लेकर बोलते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारी वजह से राहुल गांधी को अपना गोत्र तो बताना पड़ा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि गोत्र क्या चीज होती है। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने कहा कि राहुल गांधी का गोत्र भारतीयता है या भोगी आदित्यनाथ क्या जाने। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आगे भी कहा कि राहुल गांधी का गोत्र इंसानियत है, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों का ही गोत्र देशभक्ति है या भोगी आदित्यनाथ क्या जाने। सुरजेवाला ने कहा कि वह गोडसे की बात करते हैं जबकि हम देश के लिए जान जाने के लिए भी तैयार हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा राजीव, सरदार बेहन सिंह, श्यामा चरण शुक्ल जैसे लोग देश के लिए जान देते रहेंगे। सुरजेवाला ने शायराना अंदाज में कहा कि उनकी नजरों में हम पागल हैं, पागल ही रहने दो। आज की अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 10 साल पहले दर्ज मामला वापस लेगी योगी सरकार। जी हां, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 10 साल पहले कौशाम्बी में दर्ज दो आपराधिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, राज्य के अवसर सचिव अरुण कुमार राय की तरफ से कौशाम्बी जिलाधिकारी को 15 नवम्बर को संबंध में पत्र लिखा गया था। आज की बड़ी खबर है, डीएम ने कहा था कि यह संबंधित न्यायालय में मामले वापस लेने की अर्जी दाखिल करें। आपको बता दें, प्रयागराज के सरकारी परामर्शदाता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा, हमें प्रयागराज डीएम की तरफ से न्यायालय में लंबित 2 मामलों को वापस लेने के सरकारी निर्देश मिले हैं। संबंधित सरकारी वकील को वापसी की अर्जी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद अब बाबा रामदेव ने बताई हनुमान जी की जाति। इन दिनों देश भर में हनुमान जी की जाति बताने की मानो होड़सी मची हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री जहां राम भक्त हनुमान को दलित बताने की बात कहते हैं, वहीं कोई उन्हें ब्राह्मण बता रहा है तो कोई उन्हें जैन। इसी कड़ी में बाबा रामदेव ने भी अपने विचार रखे हैं, हनुमान जी को ज्ञानी व क्षत्रिय बताया है। देश में इन दिनों हनुमान जी की जाति पर हर नेता रिसर्च वर्क कर रहा है, इसी वजह से हर दिन नए नए तर्कों के साथ हनुमान जी की जाति बताने के लिए नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। रांची में कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव ने जब हनुमान जी की जाति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो राम भक्त है, वे अष्ट सिद्धि के ज्ञानी होने के साथ साथ क्षत्रिय भी हैं। सीएम योगी के हनुमान जी को दलित बताने की सियासत पे कूदी कांग्रेस, पोस्टर से हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के अलवर में बीते मंगलवार को एक चुनावी सभा में हनुमान जी को दलित बताने के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। लखनऊ में आज इस प्रकरण पर कांग्रेस ने शहर में कई जगह पर पोस्टर लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस के इशारे पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी भाई भाई को बांटने का काम के साथ साथ अब भगवान को ही बांटने पर उतर आई है। कांग्रेस ने इस पर पूरे मामले में लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर पोस्टर जारी कर मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। इस पोस्टर में हनुमान जी को दलित बताने के लिए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की अपील की गई है। सीएम योगी ने मंगलवार को राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी को दलित, वनवासी, गिरवासी और वंचित करार दिया था। इस बयान के बाद सियासी अखाड़े में चर्चा तेज हो गई है। दलित हनुमान पर एसपी नेता नारद राय का विवादित बयान, योगी आदित्यनाथ के माँ बाप का कराऊंगा डीएनए टेस्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान हनुमान को दलित बताने के बाद विपक्षी दलों को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। हनुमान पर दलित का तमगा लगा समुदाय के लोग मंदिर में कब्जा करने भी पहुंच जा चुके। हद तो तब हो गई जब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने चढ़ावे पर भी हक की बात कह डाली। सियासत है जुबान बेकाबू हो चली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नारद राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पलटवार करते हुए यूपी के सीएम के माता पिता के डीएनए की जांच की बात कह डाली है।
बलिया के कार्यक्रम के दौरान नारद राय ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, हनुमान जी हो, शंकर जी हो, शिव जी हो, हमारी सब आराध्य हैं। आराध्य को जाति की सीमा में जाति सूचक शब्दों से सम्मानित करना, अपमानित करना या भारतीय जनता पार्टी का रोजगार है। पहले योगी को अपनी जाति के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, अपनी माँ से पूछना चाहिए और बाप से पूछना चाहिए। हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तब हनुमान जी पर बहस करेंगे। साधुओं ने प्रस्ताव पारित कर खारिज किया आदित्यनाथ का प्लान। शंकराचार्य बोले, हिंदू धर्म को सांप्रदायिक ताकत बनाना चाहती है योगी और मोदी सरकार। जी हां, यूपी के वाराणसी में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में सैकड़ों साधु संत पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों ही भगवान राम का अपमान कर रही है। साधुओं का यह आरोप ऐसे वक्त में सामने आया जब सूबे की सत्ताधारी बीजेपी ने अयोध्या में भगवान राम की एक बेहद विशाल मूर्ति लगाने का फैसला किया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक साधु तो इतने नाराज थे कि उन्हें रविवार को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा को अधर्म सभा करार दे दिया। बता दें कि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतर वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई टालने की आलोचना की। आज की अगली बड़ी खबर है, जेलों में अपराधियों को मिल रही है हर सुविधा। योगी के रामराज का उदाहरण अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब से वह भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए हैं तब से प्रदेश की जेलों में रामराज आ गया है। मुख्यमंत्री शायद ऐसा ही रामराज पूरे देश में लाना चाहते हैं। पद संभालते ही योगी ने कहा कि अपराधी जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर, बाहर तो गए नहीं, उल्टे प्रदेश में ही अपहरण, लूट, हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं। जो जेल में है उन्हें हर सुविधा से मुहैया कराया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, योगी के रामराज का यह नमूना है। अगली बड़ी खबर, योगी के दलित हनुमान पर आजम खां का तंज, अभी चुनाव तक रावण मुसलमान हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि योगी इतिहास में PhD हैं, अभी तो उन्होंने हनुमान जी को दलित बनाया है, चुनाव खत्म होने तक रावण को मुसलमान भी बना देंगे। योगी के बयान के बहाने आजम ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना लिया है। आजम ने कहा, भाजपा नेता पहले ही सीता जी को टेस्ट ट्यूब भी बता चुके हैं, अब योगी ने हनुमान को दलित बताया है। समझ नहीं आता उनके बयान पर हंसे या रोए। चुनाव करीब है और काम कुछ नहीं किया, नौकरी नहीं दी, कर्ज माफ नहीं किया, इन्हें तो पूरे समाज में माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या मामले पर योगी के मंत्री ने खुलकर किया अखिलेश यादव का समर्थन, CN पर बोला हमला। अखिलेश यादव के बयान का योगी सरकार में मंत्री OP राजभर ने अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव की तरह भी OP राजभर का भी मानना है कि अयोध्या में शिवसेना और VHP के कार्यक्रम को देखते हुए सेना को लाया जाना चाहिए। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो रह चुके हैं, इन हालात के अयोध्या के लिए खतरनाक बताए जा रहे हैं। उनकी मांग है कि अयोध्या में फौज बुलाई जाए, पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में VHP और शिवसेना की रैलियों के मद्देनजर सेना तैनात की जाए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।